श्रोताओं, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। एक महत्वपूर्ण दिन, एक संकल्प का दिन, एक चिंतन का दिन और अपने आचरण में कुछ परिवर्तन लाने की बात करने का दिन। पर्यावरण मित्र समिति लगातार प्रयास कर रही है पर्यावरण के संरक्षण का और मुरादाबाद में रहते हुए उन्होंने कई स्थानों पर अनेक विशेष उल्लेखनीय कार्य किए हैं जिनसे पर्यावरण को संतुलित करने में, उसको स्वच्छ बनाने में बहुत मदद मिली है। ये समिति चल रही है श्री के गुप्ता के नेतृत्व में, जो एक ऊर्जावान कर्मठ समाज सेवी है। के गुप्ता जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस पर श्रोताओं के बीच अपनी बात अगर कहनी हो तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस ऐसे समय में आया है, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग अपने घरों में कैद हैं और कोरोना जैसी महामारी, कोविड-19 जो डिजीज है, मैं उसी से शुरुआत करूंगा क्योंकि एक ऐसा सबसे आज की तारीख में हम सब लोगों से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है, सभी लोग उससे अफेक्टेड है और पर्यावरण भी ऐसा क्षेत्र है जिससे सभी लोग अफेक्टेड हैं। निश्चित तौर पे जैसा कि आपने देखा असीम जी, कि पिछले लगभग 70 दिन से ऊपर हो चुके हैं और हम सब लोगों का जीवन जो है बिल्कुल एक स्थिर रूप में रह गया है और भयावह स्थिति में है। ऐसी ही स्थिति अभी आप कल्पना कीजिए कि कुछ समय पहले पर्यावरण को लेकर के भी थी, प्रदूषण बहुत लगातार और बढ़ रहा था और बहुत दिक्कतें थी, लोग बीमारियों से ग्रसित थे और कई सारी चीजें ऐसी थी जो हमें कभी दिखाई नहीं थी कि हमारी पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो पूरा खराब हो चुका था, जैव विविधता हमारी बहुत कम हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ अच्छी स्थिति उससे हुई है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसे ही कोरोना से अगर कुछ जान मान की हानि हुई है तो कुछ चीजों में फायदा भी हुआ है। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं तो पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कोरोना से जो लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई और उससे जो पर्यावरण की स्थिति बेहतर हुई, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा संकेत रहा और इसको हम इस रूप में कह सकते हैं कि प्रकृति ने अपने आप को रिवाइव किया। ये ऐसी महामारी जो, ये विषय में हम लोग नहीं जा रहे कि मानव जनित है या प्रकृति जनित है, लेकिन प्रकृति ने अपने आप को इससे रिवाइव किया, एक संदेश दिया प्रकृति ने कि मानव प्रकृति से ऊपर नहीं है। एक बहुत पुरानी कहावत है, प्रकृति इंसान के बिना रह सकती है लेकिन इंसान प्रकृति के बिना नहीं रह सकता। वही चीज आज हमें सिद्ध बिल्कुल देखने को मिल रही स्पष्ट रूप से कि आज प्रकृति अपने आप को रिवाइव बहुत हद तक कर चुकी है। लगभग मैं समझता हूँ कि शायद 30 वर्ष पहले जो हमारा पर्यावरण रहा था, जैसे साफ आसमान था, जैसे साफ नदियां थी, आज कमोबेश वही स्थिति हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारे स्तर पर आप देखें, जून का महीना चल रहा है, आज 5 जून है और 5 जून में भी गर्मी का वो स्तर नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था। पिछले कुछ वर्षों में शायद बिना एसी के बैठना संभव नहीं था, लेकिन आज केवल पंखे से काम चल रहा है। ये केवल और केवल पर्यावरण के सुधार की दिशा में है। तो विश्व पर्यावरण दिवस ये कोई एक दिवस के रूप में नहीं है, विश्व पर्यावरण दिवस एक दिवस है चिंतन के लिए, जिसमें हम लोग ये चिंता करें कि पिछले वर्ष में हमने क्या किया और अगले वर्ष में हमें क्या करना चाहिए। मैं यही कहूंगा, कोरोना को लेकर मैं अपनी बात यही समाप्त करना चाहूंगा कि कोरोना ने जो हमें सीख दी है पर्यावरण के क्षेत्र में, उसको हमें किस तरीके से अब सस्टेन करना है, किस तरीके से जो पर्यावरण हमारा सुधर करके आया है प्राकृतिक रूप से, उसको किस तरीके से हम बचा सकते हैं और बनाए रखा जा सकता है। ठीक है गुप्ता जी, आप लगातार प्रयास करते रहे हैं पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में, वृक्षारोपण की दिशा में, पर्यावरण के किस घटक की तरफ, क्योंकि बहुत सारे घटक हैं पर्यावरण, और किस घटक की तरफ ध्यान देना इस वक्त बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है? देखिए, पर्यावरण के दो विशेष घटकों पर मैं हमेशा चर्चा करता रहा हूँ, एक है वायु और एक है जल, क्योंकि ये मानव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही चीजें हैं। आप बिना वायु के 2 मिनट जिंदा नहीं रह सकते, बिना जल के आप 1 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। इन दो पर विशेष तौर पर हमें ध्यान देना है। तो वायु अगर शुद्ध नहीं होगी तो हम लोगों का जीवन संभव नहीं हो पाएगा, इसके लिए बहुत जरूरी है। आज उसी परिस्थिति में फिर उसी बात को दोहराऊंगा कि आज वायु इतनी शुद्ध है कि हमें सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं है। सुबह को हम लोग निकलते हैं, अगर सफेद शर्ट पहन कर निकल रहे हैं तो शाम को सफेद शर्ट सफेद ही रहती है, जबकि कुछ दिन पहले तक ऐसी स्थिति नहीं थी। वायु शुद्धता हमारे लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे पहली जरूरत हमारी शुद्ध वायु है। उसके बाद पर्यावरण का जो विशेष घटक है वो है जल, मैं उसी पर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आप भोजन के बिना तो कुछ दिन रह सकते हैं लेकिन जल के बिना आप
नहीं जीवित रह सकते। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम वायु और जल पर ज्यादा ध्यान दें, किस तरीके से हम वायु को ज्यादा शुद्ध कर सकते हैं और जल को किस तरीके से हम बचा सकते हैं। आपके प्रयास अब इस दिशा में केंद्रित होंगे, तो क्या कुछ प्लान किया है आपने आगे के लिए? सर, हमने तो देखिए अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारे पास अब आज की स्थिति में पर्यावरण की जो स्थिति है उसको किस तरीके से बचाना है, उसके लिए हमने कुछ गाइडलाइंस तैयार की हैं अपने लिए, अपनी समिति के लिए, और समाज से अनुरोध करेंगे कि वो भी उसमें सहयोग करें, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है गाड़ियां जो विकास की मानक मानी जाती है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हर महीने एक दिन हम कोई ऐसा दिन सिलेक्ट करें जिसमें हम नो कार डे, मतलब उस दिन हम कार यूज न करें, अपने टू व्हीलर यूज न करें, ऐसा प्रयास हम लोग करेंगे। तो उस दिन बाद जनता का सहयोग लेकर के हम इतना प्रयास करेंगे कि एक दिन हम नो कार डे या नो व्हीकल डे इस्तेमाल करें, उस दिन हम साइकिल इस्तेमाल करें। प्लांटेशन रखा जाए, जितना संभव हो सके उतने पेड़ पौधे लगाए जाएं जिससे कि हमारा वायु शुद्ध रहे, और जल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जल है, उसको किस तरीके से हम बचा सकते हैं कि जल बना नहीं करते, इसलिए उसको बचाने की दिशा में हमें प्रयास करने होंगे, उसका अनावश्यक दुरुपयोग ना करें, यही हमारा प्रयास रहेगा। इससे जो धरती की हरियाली चादर है वो कहीं ना कहीं हमने मैली कर दी है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने इतना दोहन किया है प्रकृति का कि अब बहुत सारे संकटों से हमें गुजरना पड़ रहा है, तो इन जरूरतों और पर्यावरण के बीच किस तरह से संतुलन बनाने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए क्या कहते हैं, धरती की चादर तो हमने खत्म कर दी, हरियाली खत्म करके हमने कंक्रीट के जंगल उगा दिए, जंगल खत्म कर दिए। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जानवर सड़कों पर आ गए हैं, क्यों? क्योंकि हमने जंगल खत्म करके रहने का स्थान खत्म कर दिया, तो बाहर आ गए। अब हमें इस दिशा में दोबारा प्रयास करना होगा, और विकास जो है वो जीवन की कीमत पर नहीं होना चाहिए। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक नई परिभाषा है, तो हम जो डेवलपमेंट करें वो सस्टेनेबल हो, मतलब दूसरी चीजों को नुकसान ना पहुंचाते हुए डेवलपमेंट हो, हमारी प्रकृति को भी नुकसान ना हो और विकास जो कि जरूरी है मानव जीवन के लिए वो भी चलता रहे। तो इस दिशा में हमें इस तरह से प्रयास करना होगा कि अगर कोई उद्योग लग रहा है तो वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचा पाए, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रकृति का दोहन न करना पड़े, इस तरीके की टेक्नोलॉजी अब हमें लानी पड़ी। बहुत अच्छी बातें आपने बताई हमारे श्रोताओं को। आज के महत्वपूर्ण दिवस पर, विश्व पर्यावरण दिवस पर आपका क्या संदेश होगा आकाशवाणी रामपुर के जरिए आपको इस वक्त सुन रहे लोगों के लिए? मैं विश्व पर्यावरण दिवस की एक बार पुनः सभी को बधाई भी देता हूँ, और यही कामना करता हूँ, यही सबकी कोशिश रहनी चाहिए कि सबसे पहले हमारा जीवन है, और उस जीवन को बचाने के लिए हमें अपने पर्यावरण को बचाए रखना बहुत बहुत जरूरी है। उसके लिए हर स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे, सामूहिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, जहाँ कहीं भी हमारा योगदान हो सकता है हमें उस योगदान को देना चाहिए, और अपनी प्रकृति को, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। थैंक यू सर, नमस्कार।